गर्मियों के सब्जियों और फूलों वाले पौधे के लिए एक शक्तिशाली पावरफुल नेचुरल खाद जो हर तरह से पौधे को गर्मियों में एनर्जी प्रदान करते हैं, बल्कि इसके यूज से पौधे झुलसने से भी बचते हैं, यानी कि तेज़ गर्मी से भी राहत मिलते हैं, या यूं कहें ये ठंडी खादों की गिनती में आते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में फिर से खाद पर यानी कि फर्टिलाइज़र पर लाई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ जिसका यूज आप गर्मियों में हर तरह के पौधे पर यूज कर सकते हैं, और ये खाद पौधे को तेज गर्मी से भी बचाते हैं और उसके साथ ही साथ पौधे को ठंडक देने का काम भी करते हैं। यानी कि अगर आपके प्लांट तेज गर्मी से झुलस रहे हैं तो उनसे भी राहत देने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इन खाद फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इस ठंडी खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है इस तरह के कंडे जो आपको अक्सर दूध वाले के पास मिल जाते हैं, या फिर आजकल एक कंडे ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो जिस तरह से आपकी सुविधा हो उस तरह से आप इस कंडे को ले सकते हैं। और इस कंडे को लेकर आपको करनी क्या है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको टुकड़ों में छोटे छोटे कर ले तो आपको खाद बनाने में थोड़े से इजी होंगे, कि अक्सर आप अगर पूरे कंडे पानी में डाल देते हैं तो थोड़े से ये सोक करने में खाद बनाने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जल्दी और फास्ट खाद बनाने के लिए आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर ले, या फिर ईंट के मदद से भी आप इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और बस इन खादों को क्या करनी है, इस तरह के बकेट में पानी लेनी है और इस पानी में आपको डालकर आपको रखनी है 10 से 15 दिनों तक। जैसे आप 10 लीटर के बकेट ले रहे हैं तो उसमें आप 2 केजी करीब कंडे यूज कर सकते हैं, या फिर 2 केजी अगर नाप नहीं सकते तो कम से कम 10 से 12 कंडे टुकड़े कर ले, और 10 लीटर के बकेट में इस तरह से पानी में डालकर आपको रखनी है 10 से 15 दिनों के लिए। और इसे आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं या फिर छांव में भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। और इस तरह से देखेंगे कि 10 से 15 दिनों उजला से इसके काला दिखने लगेंगे, तो समझ लें कि फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो गए हैं पौधों में डालने के लिए। और इसे आप समय समय पर बीच में आपको डंडे की सहायता से चलाते रहनी है। और बस ये ठंडी खाद गर्मियों की सबसे बेस्ट ठंडी खाद बनके तैयार है। तो इसे यूज करना किस प्रकार से, इसे कभी भी आप डायरेक्ट प्लांट में यूज ना करें, एक मात्रा आप नोट कर ले। जैसे आप 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो उसमें आप करीब 5 लीटर के करीब आपको पानी मिलानी है, और बस ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। अगर इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के अलावा सिलिकन, फास्फोरस, गंधक, कैल्शियम, ऐसे और भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी हैं। इसका यूज अगर आप 15 दिन में करते रहें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी ठीक हो जाती है, यानी कि खराब की खराब मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। उसके अलावा इसमें गर्मियों में जल सोखने की समस्या जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। यानी कि गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो तेज़ गर्मी से भी पौधों को बचाते हैं। इसके अलावा ये पौधों के विकास गर्मी में तेज़ी से कराते हैं और फूल और फल को लाने में भी मदद करते हैं।
इसका यूज आप हर तरह के पौधों में कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे फूल वाले पौधे हो या फिर इंडोर प्लांट हो। सभी में इस पौधे फर्टिलाइजर का यूज करते रहे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे गर्मियों में। इसका एक और भी विशेषता है, अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सख्त है, चिकनी है, तो ये फर्टिलाइजर चिकनी मिट्टी को भी भुरभुरा बनाने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी के कण को अलग अलग करने का काम करते हैं। तो यूज करें और खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।